So hello everyone, today we will discuss one more topic, what can happen in career after 12th, four ways after 12th. So इसका क्या है कि 12वीं के बाद के रास्ते और 12वीं के बाद चार रास्ते आपके पास होते हैं, क्योंकि जो 12th में अभी स्टूडेंट है और वह पेयरिंग में उसके अंदर ये है ड्रीम है, मुझे नीट में जाना है, उसे BSc एग्रीकल्चर में यूपी कैडेट के थ्रू जाना है, ICAR के थ्रू जाना है, CUET UG के थ्रू जाना है, और उसको IIT में जाना है, या उसको नॉर्मल अगर है तो उसको BHU में एडमिशन लेना है, BA में या BSc में ऑनर्स में उसको लेना है, उसके माइंड में एक क्वेरी काफ़ी चलती है। एक हमारे सोसाइटी में क्या है, जो स्टूडेंट होता है उसके टैग मतलब इंस्टीट्यूट के टैग से उसको जज किया जाता है, और कुछ स्टूडेंट होंगे जो प्रिपरेशन के लिए अपने आप को टारगेट कर रहे होंगे, तो इसी को मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये सिर्फ एग्रीकल्चर के स्टूडेंट का कन्फ्यूजन नहीं है, ये सभी स्टूडेंटों का कन्फ्यूजन है, और एग्रीकल्चर वालों को भी मैं बात करूंगा। तो ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, और अपने फ्रेंड तक बैचमेट तक जरूर शेयर करिएगा। सो स्टूडेंट देखिए, पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि आपके पास कौन से रास्ते बनते हैं अगर आप 12th कंप्लीट करते हो या फाइनल ईयर स्टूडेंट हो, और ये सिचुएशन के बेस पे एनालिसिस है, तो इसी को मैं डिस्कस करूंगा। देखिए, जो चार रास्ते होते हैं और ये रास्ते क्या है, आपको खुद एनालिसिस करना है, एक शॉर्ट एनालिसिस टर्म होता है, ये आपको खुद एनालिसिस करना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड जो होता है वो थोड़ा सा लो और मीडियम जो आप बोलते हैं ना कि मिडिल क्लास की फैमिलियाँ, वो फैमिलियाँ होती है, क्योंकि आपको उन्होंने 12th करवा दिया। अब इसके बाद ये नहीं कि वो आपको यूनिवर्सिटीज में आपको ग्रेजुएशन करवाएंगे, अकेडमी में 4 साल 3 साल देंगे, ये सब प्रॉब्लमें होती हैं। तो कौन कौन से वे हैं जिस जो आप आफ्टर 12th के बाद जा सकते हैं। देखिए, सबसे पहला वे है आप अकेडमिक, या तो अपने आप अकेडमिक झूको, आप BSc करो, MSc करो, PhD करो, अकेडमिक वाला होता है। सेकेंड क्या आपका होता है कि आप प्रिपरेशन होता है, सिर्फ आप प्रिपरेशन पे लग जाओ। थर्ड होता है डिग्री एंड प्रिपरेशन, थर्ड यही होता है डिग्री एंड प्रिपरेशन। अब डिग्री एंड प्रिपरेशन आप, क्योंकि बहुत से ऐसे भी कॉलेज है इंडिया में जहाँ पे आप एडमिशन करवा लो, आपको सिर्फ एग्जाम जाके दे दें, या ऐसे भी इंस्टीट्यूट है जो डिस्टेंस लर्निंग जिसको बोलते हैं, करस्पॉन्ड बोलते हैं जिसको, कि आप सिर्फ एग्जाम दे दोगे बस। जैसे आपका इग्नू हो गया, इलाहाबाद में भी है मुक्त विश्वविद्यालय जिसको बोलते हैं डिस्टेंस एजुकेशन, वो आपके पास। पहला क्या है, आप अकेडमी में आ जाओ, डिग्री लेते रहो। सेकंड आप प्रिपरेशन करो। थर्ड आपका क्या है कि आप डिस्टेंस एजुकेशन से डिग्री लेते रहो और प्रिपरेशन करते रहो। फोर्थ आपके पास ऑप्शन होता है कि आप भाई छोटा मोटा बिजनेस जो आपकी फैमिली चल रहा है उसको संभाल लो, या प्राइवेट जॉब में आओ अगर आपकी फैमिली में बहुत ज्यादा क्राइसिस है, उसके साथ आपको तैयारी करना है। देखिये, ये क्या है कि ये एक मिडिल क्लास की फैमिली की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि यहाँ पे होते आपको एक एक क्लास अगर पढ़ाते हैं तो ये माइंड सेटअप करके पढ़ाते हैं कि आप उनके फैमिली का जो भी प्रॉब्लम है उसे आप दूर करोगे, या जो उनके एक्सपेंसेस है उसमें आप हाथ बटाओ, ये होता है। तो पहला क्या है, देखिए एकेडमिक वाला जो है, आप डिग्री लेते रहो। तो अब देखिए, जो इंडिया की सिचुएशन से पहले थी, अभी 2010 तक तब डिग्री का वैल्यू था, अब 2015 के बाद एकदम डिग्री नहीं वैल्यू, आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि अभी आप 12th में हो और आपका भी बहुत समय बचा है। और मैं इस वीडियो को इसका रिकॉर्ड करने का सबसे बड़ा यही इंटेंशन था कि अभी स्टूडेंट नीट देगा, IIT मेंस दिया होगा, अभी UP कैडेट देगा एग्रीकल्चर वाला स्टूडेंट, और CUET UG दिए होंगे स्टूडेंट, जो भी आप एग्जाम देंगे, हो सकता है आपको सफलता ना मिले, तो आप डिमोरलाइज ना हो। दूसरा क्या है कि बहुत से स्टूडेंट को सफलता मिल जाती है, उनका एडमिट रैंक अच्छा खासा आता, बस फैमिली का प्रॉब्लम रहता है कि तुम जा रहे हो 3 साल 4 साल हम कैसे पढ़ा पाएंगे, या कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती है उनकी लाइफ में, या किसी की सिस्टर की शादी करनी है, किसी की फादर की डेथ, या किसी कुछ भी हो, तो वहां पे वो इंसान को डिसीजन लेना हो। तो एकेडमिक में देखिए, मैं आपको डिग्री क्या है कि आपको एलिजिबिलिटी अपने टाइम पे दे रहे हैं, आप देख लो कि पॉलिटेक्निक करके, BTech करके आप स्टूडेंट क्या पा रहा है भाई। IIT के स्टूडेंटों का भी आपने न्यूज पेपर में देखा होगा, प्लेसमेंट के लिए तरसना पड़ रहा है। मैं नेगेटिविटी को नहीं बता रहा हूँ, लेकिन अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हूँ, तो आप अपने आप को अवेयर रखो आने वाला समय, ठीक है। तो एकेडमिक आपका, इफ यू हैव इंटरेस्ट यू शुड गो, आपका इंटरेस्ट है तो आप जा सकते हो। दूसरा क्या है कि आपकी फैमिली आपको अगर बहन कर सकती है 2-4 साल 5 साल 6 साल 7 साल आपको एकेडमिक में अगर वो दे रहे पैसे,
तो कोई दिक्कत नहीं, आप जा सकते हो। ये यहाँ बात मिडिल क्लास के लड़कों को, जिनको एफर्ट, जो एफर्ट नहीं कर सकते उनकी हो रही है, या जिनका इंटरेस्ट तुरंत जॉब आफ्टर 12th पर जॉब लेने का उनका है। ये चीजें हैं। तो आपको क्या है कि एकेडमिक में डिग्री, देखिए आप पार्ट टाइम भी ले सकते हैं, डिस्टेंस से भी ले सकते हैं, ऑन दी ऑन जॉब आप, आपकी नौकरी लग जाए वहां से लीव लेके आप बाद में डिग्री कर सकते हैं अगर आपका बहुत पढ़ने का मन है, या इन सर्विस आप डिस्टेंस से पढ़ते रहिए ना, आपकी नौकरी लग जा रही है आप बिजनेस डिग्री लेते रहिए, जो भी आप डिग्री ले लीजिए, लेकिन आप अपने पैर पर खड़े तो हो जाएंगे। तो डिग्री अकेडमी बहुत ज्यादा पसंद का नहीं, मतलब भाई ये क्लियर कट बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों ने 8 साल 9 साल लाइफ का दिया है और भी बहुत लोगों ने दिया है, बहुत चीजें क्रिटिकल होती है जब आपको समय निकलता है और आपके साथ लड़कों के साथ, ये चीज है ठीक है। तो आप क्या है कि बहुत ज्यादा अकेडमी पे, ये पर्सनल मेरा मानना है, और अकॉर्डिंग टू जो कास्ट निकल के आ रही पढ़ाई का जिस हिसाब से, उसको एनालिसिस करने के बाद, चाहे एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हो चाहे नॉर्मल स्टूडेंट, सब पे लागू होता है। एग्रीकल्चर में तो 4 साल आप बीएससी करो, अब स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की फीस बहुत ज्यादा हाई होती है, 2,000 3,000 4,000 होती है, आप उठा के देखें किसी भी इंस्टीट्यूट का 20 से 22 से 21 से कम नहीं फीस स्ट्रक्चर, ये आप क्या करें। तो ये सब चीजें हैं, बहुत ज्यादा अकेडमिक में नहीं आना है आपको। सेकेंड क्या है इक्वेशन, कि आप 12th छोड़ कंप्लीट इक्वेशन पे अगर लग जाए, वहाँ डिस्टेंस एजुकेशन में भी एडमिशन नहीं ले रहे हैं, या आप ऐसे भी इंस्टीट्यूशनल भी एडमिशन नहीं ले रहे, तो ये भी थोड़ा गलत है। आप क्या है कि इसको भी आप एकदम नेग्लेक्ट कर दीजिए, क्योंकि आप सिर्फ 12th बाद प्रिपरेशन मत लगी, जो बेस्ट वे है वो है क्या है कि डिग्री प्लस प्रिपरेशन, जो बेस्ट वे, चाहे आप करस्पॉन्डेंस मीन डिस्टेंस से एडमिशन करवा लो, चाहे अब ऐसे भी बहुत से ऐसे कॉलेज हैं आप देखेंगे गाँव घर में कि उसमें आप एडमिशन करवा लो, क्लास लेने नहीं जाना, बस एडमिशन दे, मतलब आपको सिर्फ एग्जाम देने जाना, सबसे बेस्ट वे हो उसमें, चाहे आप बीएससी एजी में करवा लो, बीएससी साइंस में, बीएससी किसी भी डिसिप्लिन में करवा लो, बेस आर्ट वाले सब्जेक्ट में आपको चलता ही है, प्लस ऐसे भी है। अब जैसे क्या कुछ स्टूडेंट कहेंगे मेरा इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में था, या मेरा नर्सिंग ऐसे कोर्स था जिसमें मैं कैसे ऐसे एडमिशन करवा लो, तो वहां पर एडमिशन कराओ, बस अपने टाइम का यूटिलाइज करो। ऐसे बहुत से वहां जहां पर रहेंगे छोटे बच्चे, उनको आप ट्यूशन दो तो आप 4,000 5,000 निकाल सकते हो अगर आप एफर्ट करना चाहते हो, बाकी फैमिली की प्रॉब्लम है। तो ये हो गया, तो ये सबसे बेस्ट वे है कि आप डिग्री करते रहिए, बहुत डिग्री नहीं बस ग्रेजुएशन तक आपको करना, बहुत आप पीजी करना चाहे खुद के पैसे से करो, लेकिन तैयारी आपके साथ करते हैं, जो प्रेजेंट टाइम के नीड यही। चौथा क्या आता है, जैसे अब क्या बहुत स्टूडेंट को अपना बिजनेस छोटा मोटा होता है, तो एक्चुअली क्या जो मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, उसके लिए बिजनेस का सोचना, जैसे अब अम्बानी जी के बच्चों को सरकारी नौकरी के बारे में सोचना, तो वैसे मिडिल क्लास बच्चों का, क्योंकि यहाँ पे सोशल प्रेस्टीजियस माना जाता है, कोई भी लोकल बिजनेसमैन भी होगा या मिडिल क्लास का बिजनेसमैन भी, वो अपने बच्चों को घुसाना नहीं चाहता, उसका रीजन है क्योंकि अगर आप चपरासी बन रहे हो ना, एक छोटी ग्रुप डी की नौकरी आपको पा रहे, तो यू हैव ए सिक्योर, और आपने कोरोना देखा होगा कितना आपकी सिक्योरिटी है, 2-2 4-4 लाख वाले बैठ गए सब घर, तो इसीलिए। और प्राइवेट सेक्टर ऐसा सेक्टर है ना जहां पर रोबोट घुस चुका है, आने वाले समय देखिएगा मैन पावर, क्योंकि टेक्नोलॉजी डिसिमिनेट हो रही, टेक्नोलॉजी का यूज ज्यादा हो रहा, कोई भी काम पहले जब आदमी 1 महीने में करता था जो 4 दिन में निपटा दे रहा है, तो मैन पावर की कमी हो रही है, टेक्नोलॉजी ज्यादा बढ़ा रहे हैं, मतलब जो मशीनीकरण ज्यादा हो रहा है, मैकेनाइजेशन ज्यादा हो रहा है, ये मेरे कहने, तो ये भी नहीं सही है कि प्राइवेट जॉब, देखिए प्राइवेट जॉब आप कर सकते, प्राइवेट जॉब आप कर सकते आफ्टर 12th के बाद, आपको कोई भी प्राइवेट जॉब मिल रही, किसी भी लेवल की जॉब मिल रही, अगर आपकी फैमिली में क्राइसिस है, आप एफर्ट नहीं कर पा रहे हो फैमिली का पढ़ाई खर्चा, तो आप कोई प्राइवेट जॉब पार्ट टाइम 6-7 घंटे ज्वाइन करो, उसके बाद आप क्या है कि एडमिशन करवा लो भाई, डिस्टेंस आप एडमिशन करवा लो, या ऐसे कॉलेज में एडमिशन करवाओ जहाँ पर आपको क्लास लेने नहीं जाना है, और आप 2 से 4 घंटे एटलीस्ट 2 से 3 घंटे अपने आप तैयारी को दे सकते हो। मैंने कह रहा हूँ आप पीपीसी, लेकिन आपका जज्बा होना चाहिए, तो आप कुछ ना कुछ जरूर क्लियर कर जाओ, ऑनलाइन का जमाना है, आप जहाँ भी काम करते हो उसके बाद आए 4 घंटे पीएम टाइम, भाई 6 घंटे अपन काम करके आओगे, 6 घंटे काम करो, 8 घंटे आप सोओगे, 14 घंटे 6 घंटे और काम को आप दे दो, जो भी करना घूमना सामना, 20 घंटे 4 घंटे तो दे सकते हो पढ़ने, लेकिन आपके अंदर का इंटेंशन होना चाहिए। तो ये था, क्योंकि अभी देखिएगा बहुत से स्टूडेंटों का 12th मार्क्स कम आया होगा, उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा, तो वो और उनकी फैमिली परेशान हो, परेशान, देखिए आप इंस्टीट्यूट में टैग लगाने से समय गया कि आपका यूपी कैड आप ये सीएसए में दिए तो आपका एडमिशन हो गया, तो आप सीएसए में आपकी नौकरी रखी गया भाई समय, ठीक है, तो बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना इस चीज को लेकर, आप प्राइवेट वाला और आईसीआर ने, मैं एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट को बात करूँ,
आईसीआर ने भी इक्विवेलेंट कर दिया कॉलेज वाले को भी तुम्हारे, चाहे कॉलेज वाला हो चाहे आईआरआई वाला हो, इक्विवेलेंट है, दोनों को एग्जाम आके देना है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको माइंड में क्लियर होनी चाहिए। आफ्टर ट्वेल्थ के बाद चार वे है, आप अकेडमी में घुस जाओ, प्रिपरेशन करने जाओ, डिग्री के साथ आप प्रिपरेशन करो, प्लस पार्ट टाइम जॉब बिजनेस या उसके साथ आपकी तैयारी कर सकते हो। सबसे बेस्ट वे है कि आप डिग्री के साथ प्रिपरेशन करते हो, अगर आप थोड़ा भी पढ़ कर सकते हो 2-4 साल, क्योंकि एक्चुअली क्या हमारी सोसाइटी ऐसी है ना, एक यहाँ छोटी सी भी आपकी अगर सरकारी नौकरी या गवर्नमेंट जॉब जिसको बोलते हैं लग गई, मैं यहाँ गवर्नमेंट जॉब का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप देखते हैं उसका अलग लेवल का रिस्पेक्ट होता है, वो फ्यूचर में सिक्योर होता है, उसका एक टाइमिंग फिक्स होता है कि इस टाइम आपको काम करना है। ठीक है, ऐसा नहीं करो प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के लिए आपको डिग्री लो। आप क्या एग्रीकल्चर में क्या प्राइवेट सेक्टर में आ जाओगे, आप एबीएम करोगे 20,000-18,000 नहीं दे रहे, जाओगे 2-4 साल बाद करोगे तब पता चलता है कहाँ क्या सिचुएशन है। आपको जरूर लगता है मैं डिग्री कर रहा हूँ मेरी इतनी नौकरी लग जाएगी, एमएससी करके कितना कोई तुम दूसरा नहीं दे रहा यार, जाके 5-6 साल 8 साल रगड़ोगे और तुम उसके कर्मचारी रहो कब तुमको निकाल दे कोई भरोसा नहीं, और तुम टीए बन जाओगे ट्रिपल एससी पढ़ करके ना, कट निकाल के तुम्हारा अगली बल 32-33 हज़ार सैलरी स्टार्ट करोगे, जो 4 लोग और तुम्हारे मस्ते करेंगे वो, तो ये सब चीज़ तो पावर होती है, तो पोस्ट की पावर होती है, कोई पोस्ट उससे नहीं मतलब, कौन सी पोस्ट हर पोस्ट की पावर है। तो यहाँ क्या है ना, और आप मिडिल क्लास, तो मिडिल क्लास के लिए उस सपना होता है उस फैमिली का कि उसको सरकारी नौकरी लेना है, भाई जिनके बाप या पिताजी पहले से पढ़ करके बहुत अच्छा कुछ बना गए हैं उनको तो नहीं दिखता, लेकिन आपको सब कुछ बनाना तो आपको सरकारी नौकरी एक लेनी मिडिल क्लास से, आपको ना बिजनेस करने में क्योंकि आपके पास ना ना इनपुट है आप बिजनेस कर पाओगे, ना प्राइवेट में कमा के आप पूरी फैमिली को चला पाओगे, इसलिए आप हार्ड वर्क करो 1-2 साल। और मेरा वीडियो रिकॉर्ड करने का यही इंटेंशन था, आपका एडमिशन होता है नहीं होता है इस चीज़ को एनालिसिस करिएगा बैठ के, और मैं आपको बता रहा हूँ CSE ND मेरठ बांदा 4 साल डिग्री लेने को चक्कर मत रहिएगा, वहाँ पर जब कुछ नहीं मिलता भाई, 4 साल अगर आपके पास पैसा है एडमिशन करवा लो कहीं अच्छा खासा जो कॉलेज जहाँ एग्जाम देने जाना हो, जाओ तैयारी करो ना 4 साल UPSC UPSC तैयारी करो, बाद में वही करना है आधे में कर लेना कोई दिक्कत नहीं। ये सब चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। मैं सोचता एक वीडियो रिकॉर्ड करते और बहुत से स्टूडेंटों ने पूछा, इसके बाद मैंने BSc का AG का भी बताया था, एग्रीकल्चर में ये चीज़ें चार वे हैं, आप 12th बाद आप जा सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसे लगा, थैंक यू फॉर लिसनिंग।